दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मल्टीमोशन मूवीज में। तो आज हम आपको लेकर आए हैं ऐसे मंदिर में जो कि शमशान भूमि पर बना हुआ है। जी हाँ, यह मंदिर है श्री भैरव जी महाराज का, जो कि राजस्थान की राजधानी जयपुर से 58 किलोमीटर दूर रिंगस में स्थित है, जिसे रिंगस के भैरव जी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये देखिए पूरी शमशान भूमि है और आज भी यहाँ चिता की देह दृष्टि की जाती है और इसी के पास बना हुआ है भैरव जी महाराज का मंदिर। तो आइए दोस्तों आपको लेकर चलते हैं मंदिर के अंदर और दर्शन करवाते हैं श्री भैरव जी महाराज के और मिलवाते हैं मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। तो आइए दोस्तों मिलवाते हैं आपको भैरव जी मंदिर के मुख्य पुजारी जी से। महाराज जी आपका नाम? मेरा नाम है फूलचंद पुजारी। सर महाराज जी आप इस मंदिर के इतिहास के बारे में कुछ बता सकते हैं कि मतलब नहीं बता सकते हैं। जैसे ये हमारे क्या है बडगे मंडोर के राजा थे, मंडोर से ही गायें रांगते थे और वो गायें चराते चराते रहते थे। ये बाबा की एक छोटी सी लोडी उनकी झोली में ही रहती थी, तो वो लोडी रहती थी तब वो गाय चराते चराते उनको मेल के शाम की पूजा पाठ कर लेते थे। फिर वो वहाँ से पानीपत आए, पानीपत से बैनार, बैनार से वो गायें जैसे जैसे उनको सुविधा मिलती हुई ऐसे चलते गए। फिर बाद में वो यहाँ आए, शमशान भूमि थी ये, यहाँ आए तब वो लोडी को मेल ले, तब वो उठी नहीं उठी जना। फिर देखिए डेली तो आप आए इनको भोग भाग दे देते जना। ये आकाशवाणी हुई कि ये मेरी वो जगह आ गई, तब मेरे ब्रह्म हत्या लगी थी ना, तब मैं पहला पैर यहाँ पृथ्वी पे मिला था, तब जाके मैंने इन पृथ्वी का भ्रमण किया था, तब मैं काशी का कोटवाल कहलाया गया था कि वो काशी में ही छुट्टी थी मुंडी। तो ये क्या है कि जब देवताओं में आप श्री में ये हो गया था, भोलेनाथ जी तो कहते मैं बड़ा, विष्णु जी कहता है मैं बड़ा और वर्मा जी कहता है मैं बड़ा, तब इन्होंने पांच बार उधर अपनी जटा में से भोलेनाथ ने बटक बालक के रूप में प्रकट किया, बटक बालक के रूप में प्रकट किया। तो बटक बालक तो बालक तो बालक ही होता है, वो सबका ज्ञान ले लिया और भोलेनाथ जी का आदेश था कि जो भी आलोचना करे उनको, जो जिस श्री मुख से वर्मा जी ने आलोचना की उनने नाखून से काट दिया और नाखून से काटने से वो शीश चिपक गया। वो चिपक गया तब भोलेनाथ बोले यार आपको तो ब्रह्म हत्या हो गई, तब ही पृथ्वी की भ्रमण करी थी, तब ये पहला पैर यहीं मिला था। तो महाराज जी एक चीज़ आप बताइए, जो ये मंदिर है शमशान भूमि पर बना हुआ है, तो इसके बारे में कुछ बताइए कि ये कैसा है? ये तो फिर ये क्या है, ये शमशानवासी भूमि पर है, ये शमशानवासी काल भैरव है, तो ये तो जगह ही वही एरी थी यहाँ हुए थे, क्योंकि ये तो काल भैरव है, काल भैरव में तो बसवी चढ़ती है शमशान की। तो यहाँ तो क्या है, इनको तो काल भैरव को तो जो हमारे उज्जैन में देख लो वहीं बसवी चढ़ती है, ये भी काल भैरव है, तो ये भी शमशान में उनको भी वो चाहिए ना। महाराज जी ये अपने पीछे मंदिर के ये चमत्कारी ये सरोवर बोलते हैं इसे, कि इस तालाब के बारे में आप कुछ बता सकते हैं कि भाई ये किस श्रद्धालु को कैसे? इस तालाब में क्या है कि बाबा का ये कोई चमत्कार ही है, जो जिसके शरीर में चरम रोग हो, जैसे मान लो कोई कोई के मान भूत प्रीत की छाएँ आती हो, तो वो नहाने से ऐसा बाबा का एक चमत्कार है जो उनकी आत्मा को शांति मिल जाती है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों कि महाराज जी बता रहे हैं जो चमत्कारी तालाब है इसमें मतलब स्नान करने से जो श्रद्धालु आते हैं उनके चरम रोगों से उनको मन को बड़ी शांति प्रदान होती है। दोस्तों ये देखिए ये है मंदिर के पास चमत्कारी पानी का तालाब जिसकी अनेक मान्यताएं हैं। श्री भैरव जी महाराज के मंदिर के पास ही काली माँ का मंदिर भी स्थित है। तो दोस्तों यह था महाराज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।